G20 शिखर सम्मेलन समिट के दौरान विदेशी मेहमानों का अनुभव अच्छा रहे इसके लिए टैक्सी ड्राइवरों को फ्रेंच, जर्मन, रूसी, अरबी और अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ भाषा ही नहीं, साफ सफाई और विदेशी मेहमानों से व्यवहार किस तरह का हो यह तरीका भी सिखाया जा रहा है। और यह क्यों सिखाया जा रहा है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसलिए क्योंकि आप जानिए, आप कहीं भी किसी भी शहर में जाते हैं या विदेश जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो आपकी जो मुलाकात होती है या जो आप इंप्रेशन बनाते हैं वो ड्राइवर से बात करके, उससे आप पूछते हैं यहाँ खाने की जगह अच्छी, रहने की जगह अच्छी, इस जगह का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो भारत सरकार को ये लगा कि और सारी चीजें बाद में सही करेंगे, पहले ड्राइवर्स की भाषा कुछ ऐसी कर दी जाए कि वो मन को मोह लें। दीपक जी, आप फ्रेंच में कुछ कुछ चीजें बोल के बताइए कैसे आप करेंगे। जी, बोंजू, हेलो, बियावेन इंडिया, भारत में आपका स्वागत है। जमापेल दीपक कुमार, मेरा नाम दीपक कुमार है। जसुई इन साफरदाला, मैं आपका ड्राइवर हूं। मेसी बुक्कू, धन्यवाद। जर्मन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके बताइए। गुटेन मॉर्गेन हेर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम इन इंडियन, आपका इंडिया में स्वागत है। इश हाई से श्रद्धा छेत्री, मेरा नाम श्रद्धा छेत्री है। इस हबे आ दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। इस बेन फायर, मैं एक ड्राइवर हूँ। थैंक यू शॉ, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंच और जर्मन बोलते ये टैक्सी ड्राइवर हैं। विदेशी मेहमानों के वेलकम को लेकर ITDC के ट्रेनर इनको आचार व्यवहार, साफ सफाई से लेकर अलग अलग भाषा के गुर सिखा रहे हैं। G20 समिट को लेकर शुरुआत दिल्ली से हुई और अब देश के अलग अलग कोने में इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को ले जाने की तैयारी है। अभी तक हमने नियरली 300 कैब एसोसिएट्स को ट्रेन किया है, उनको सर्टिफाई किया है। अब आगे हमारा ये प्रोग्राम है एज पर गाइडेंस ऑफ मिस्टर जी कमला वर्धना राव जी, हमारे डायरेक्टर डीजे टूरिज्म एंड DCM मिस्टर पीयूष तिवारी जी। हम इसको पैन इंडिया बेसिस पर लेने जा रहे हैं। पैन इंडिया बेसिस पे नियरली 55 डेस्टिनेशंस पे हम कैब एसोसिएट्स की, सेलेक्टेड ड्राइवर्स की वहां पर कंप्लीट ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। 4 दिन का कोर्स, 16 घंटे की मेहनत, 300 रुपए हर दिन का भत्ता और नई नई भाषाओं का ज्ञान। इसके तहत फ्रेंच, जर्मन के अलावा रूसी, अरबी और अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 300 प्लस ड्राइवर हो चुके हैं जिसमें लगभग 150 प्लस महिलाएं हैं और बाकी जेंट्स हैं जो G20 को, क्योंकि सबसे ज्यादा सब आपके यूनियन के हैं किसी ने? नहीं नहीं, सारे हमारी यूनियन के ही हैं। और G20 जो हमारे देश में होने जा रहा है, जिसकी मिसाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को उठाई है इंडोनेशिया में, सो उस मिसाल को सबसे आगे लेके चलने वाले हमारे ड्राइवर हैं। सो हम सभी का धन्यवाद करते हैं और अपनी यूनिट को हम गौरव महसूस करते हैं कि ये काम मिनिस्ट्री से हमें मिला। फ्रेंच में बताइए क्या बोलेंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। जी, बोंजू, जामापेल परिमल, NDTV दिल्ली इंडिया।